छतरपुर पुलिस ने व्यापारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी के ड्राइवर ने ही अपने भांजे के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर में कबाड़ व्यापारी शेख फहीम के कर्मचारी के साथ दिन दहाड़े इकट्ठे की नोक पर 20 लाख की लूट की घटना हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि लूट किसी और ने नहीं बल्कि शेख फहीम के ड्राइवर शाहिद मंसूरी ने की थी। शाहिद ने पहले यूपी से अपने भांजे को बुलाया, फिर साजिश के तहत उसने भांजे सलमान मोहम्मद के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने व्यापारी के ड्राइवर सहित उसके भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए 20 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। घटना में उपयोग अवैध कट्टा और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। तो शाम 4 बजे रिपोर्ट आई थी कि 20 लाख की लूट हुई है। इसमें जो आवेदक है उनके द्वारा बताया गया था कि हाईवे पे खासकर एक व्यक्ति ने उनकी गाड़ी को रोका ये कहते हुए कि गाड़ी पंक्चर है। उसके बाद गेट खोला, कट्टा अड़ा के जो उनकी गाड़ी में बैग पड़ा था जिसमें 20 लाख रुपए थे वो लेकर चला गया। इसमें तस्दीक करते हुए खासकर थाना सिविल लाइन की जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रयास किया और इसमें जो दो मुख्य आरोपी थे मोहम्मद सादिक और सलमान उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो लूट की पूरी रकम है 20 लाख रुपए, एक 315 बोर का कट्टा और घटना में प्रयुक्त थी मोटरसाइकिल सभी जब्त कर ली गई हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।